छोड़ के चले गए। साढ़े तीन पूरी ने पानी ढोकर तक आप लोगों को यहाँ तक पानी है, बच्चे पता चले गया तालाब नहीं है, ये लोगों के द्वारा बनाया गया तालाब है, सरकार के प्रशासन अधीन ये तहत तालाब चल रहा है। यहाँ पर कल एक ऐसी घटना घटित हुई जो कहीं ना कहीं पूरे समाज को विशेषकर प्रशासन पर एक ऐसा सवाल उठाती है, जिससे ये जाहिर हो जाता है कि हमारे देश के अंदर एक आम जिंदगी, एक गरीब बच्चे की जिंदगी कितनी मुश्किल, कितनी बेशकीमती होने के बावजूद जो है उस जिंदगी को मामूली समझ लिया जाता है। यहाँ पर कल एक बच्ची सुबह 8 बजे के आसपास खेलते खेलते आती है इस तालाब में, वो चली जाती है, उसको लगता है कि ये कोई ग्राउंड होगा, यहाँ पर वो बच्ची अंदर चली जाती है और आप यकीन मानिए इस पूरे पानी के अंदर लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद परिजन जब आसपास खोजते हैं तो उनको बच्ची नहीं मिलती है। उसके बाद अचानक जो है बच्ची लोगों को पता लगता है कि बच्ची इधर आई थी, लोग यहाँ अंदर घुसते हैं तो बच्ची की बॉडी जो है वापस आ जाती है, ऊपर फूलते हुए आ जाती है। आप सोचिए ये कहीं ना कहीं कितनी बड़ी दुर्घटना है, जिसके कारण सरकार पर और विशेषकर यहाँ के विधायक धर्मपाल लाखरा जी पर भी सवाल उठता है कि आखिरकार उनके क्षेत्र में पहले से ये घटनाएँ घटित होती रही हैं, पहले भी इस तालाब में बच्चे डूबने से बचे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, अभी परिवार से जुड़ते हैं और क्या आखिरकार कल हुआ था, किस तरह बच्ची जो खेलते खेलते यहाँ पर गए थे और परिवार अभी क्या चाहता है, उन सभी मांगों को आपको दिखाते हैं। सुबह हमारी बेटी घर से निकल गई और हम लोग खोजने गए और जब घर से हमारे पापा फोन करे तो बोले शिवानी घर गई है, मैंने बोला नहीं अभी घर नहीं आई, तो हम लोग सब लोग खोजने लगे, जितने किराएदार थे सब लोग खोजने लगे तो शिवानी नहीं मिली, तो हमने 100 नंबर पर फ़ोन करे, 100 नंबर पर फ़ोन करे तो 100 नंबर आया, तब आधे घंटे बाद तब देखे शिवानी, हमारे पापा तब पानी में से निकाले तब देखे तो शिवानी पानी में गिरी थी। और आपने पहले पुलिस को सूचना दी थी उससे पहले? हाँ, खोजने जब नहीं मिली थी तब पुलिस के लगे फोन लगाई थी 100 नंबर पे, वो भी लेट आए थे, अपने आप ले गए थे। अंदर आ जाओ, कितना लेट आए थे बोलो? काफी दूर लेके चले गए थे तब आए थे, डॉक्टरी में लेके चले गए थे तब 100 नंबर आए थे। एक घंटे के बाद आप खुद बॉडी ढूंढ ली थी मतलब? हाँ। तो ये पानी पहले से भरा हुआ है? अभी पानी तो पहले से भरा हुआ है, जब बारिश हो रहा है तो उससे पहले भरा हुआ है। 5-6 साल। कितने साल की बच्ची है? 3 साल की है। 3 साल की बेटी थी? हाँ। तो खेलते खेलते जाके गिरी है? हाँ, खेलते खेलते कभी उधर जा ना रही थी, उधर सुबह उठी बस मांगी पूरी अपने पापा से, उनका पापा पूरी दिए, खा ली, खा के फिर चली गई उधर, बोल रही थी, मैंने बोला तुम्हारे कपड़ा निकाल दे, बोले नहीं मम्मी आ रही, चली गई उधर, एक बैग पता नहीं कहाँ गोल गई, पापा हमारे खोजने लगे कहाँ गए, तो फोन पास हमारे करे, बोले शिवानी घर गई है, मैंने बोला नहीं, पुलिस को बुलाया, पुलिस लेट आया, तो 100 नंबर पे फोन लगाए तो वो अभी आए नहीं, आधे घंटे के बाद आए, जब निकली बाहर मैंने लेके चल, सब लोग लेके भाग गए अस्पताल, तीन हॉस्पिटल से बहुत जवाब दे दिए थे, फिर चौथे पे लेके गए तो दे ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं देंगे। एम्बुलेंस आई थी कुछ? नहीं, कुछ नहीं आई थी, किराए से गए थे, क्या हुआ था मतलब बच्ची खेलते खेलते चली गई? खेलते चल गए वहाँ पर, खेलते यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ सब चाय बना रहे थे, सुबह का समय था, सब चाय पीते पूरी अपने वगैरह नहीं बनता, वो खाते खाते बाहर निकले, यहाँ चाय बन रहा था कि बच्ची आएगी तो पी लेंगे, बाहर गए खोजते खोजते उधर मिल गई, पता ही नहीं चला कि हमारी बेटी किधर गई। सब कितना टाइम हो गया था खोजते खोजते? कम से कम आधा घंटे हेरते हेरते तो नहीं पाए, नहीं कई सारे गली में जहाँ नहीं जाते थे वहाँ पर भी हम खोजे, नहीं मिली, तो अंदाज कोई 2-4 अंधे थे तो बोले कि देखो भाई यहाँ पानी है देखो, तो चाचा हमारे कूदे नहीं पाए, दो और कूदे वहाँ पर नहीं पाए, चाचा एक बंदे ने ढकेल दिया तो ठीक, बच्चे को एकदम ऊपर ही चाचा पड़ गए, जब उसके बॉडी ऊपर आ गया तो वह निकाले वहाँ पानी वानी पी ले। आप लोग मतलब अंदाजा लगाए थे कि बच्ची नीचे चली गई? हाँ। अभी स्कूल में नाम एडमिशन कर रहे थे? कुछ नहीं, बच्ची थी 3 साल की, 3 साल की बच्ची थी, और 3.5 फुट नीचे गड्ढा है,
साढ़े तीन पूरी इतने पानी ढोकर तक आप लोगों को यहाँ तक पानी है, बच्चे पता चलेगा? और वहाँ देखो तो जैसे घास है, इसलिए पार्क है, वो बच्चा कहाँ जानेगा को पार्क है कि पानी है? वो बिचल के गिर गई। मुझे ऐसा कुछ तो बस क्या चाहिए कि हमारा बच्चा चाहिए? पुलिस वाले भी टाइम पर नहीं आए और एम्बुलेंस भी नहीं आए। इनसे लोग यानी घर के हम तंदूर से आए हैं, इनसे लोग पुलिस लोग नहीं आए थे। पुलिस हम लोग हॉस्पिटल पाल हॉस्पिटल गए, वहाँ से जवाब हो गया, वहाँ से बोले सरकारी में लेके जाओ, सरकारी में लेके गए, वहाँ जाते जाते बच्चे हमारा खत्म हो गए। इसके बाद पुलिस रास्ते बच्चे जिंदी नहीं थी, पाल हॉस्पिटल में भी वो पाल हॉस्पिटल गए थे, वहीं पे वो खत्म हो गए थे। फिर मतलब भी डॉक्टर पानी से निकाला था तब बच्ची जिंदी थी? नहीं, थोड़ा पेट दाबने से पानी फेंकी थी, जो कचरा अंदर पी ले रखी थी उसको आवाज ही नहीं आता, हल्का हल्का सांस आते रहते। अब भागने से बाइक से लेके गए थे, एम्बुलेंस भी नहीं आया था। इसके बाद पुलिस भी नहीं मिले थे। जब हम लोग सरकारी में लेके चले गए तब पुलिस पाल हॉस्पिटल भेटाए थे, तो बोले थे भाई की जो होना था या हो गया, आपका अगर सही सलामत अगर बच्चा मिल जाएगा तो आपका धन्यवाद, अगर नहीं मिले तो उसके आगे हम क्या कर सकते हैं। हम लोग रोते पीते फिर ना हम अम्बेडकर हॉस्पिटल गए थे, बच्चे हमारा नहीं दे रहे थे, ये बोले थे नहीं बिना पोस्टमार्टम भैले बच्चे नहीं मिलेगा, बहुत रोए पीटे भी नहीं। आज 2 बजे लाश पोस्टमार्टम होके तब लाश हम लोग को मिला था। इसके बाद 1 घंटा पे यहाँ पे वेट करे थे, आप लोग नहीं आए, इसके बाद बच्चे का हमारा एक कर दिए। आप क्या कह रहे थे? पुलिस वाले जो है धमका रहे थे। हाँ, धमका रहे थे, वो बोला कि अपना बच्चा अपने कब्जे में क्यों नहीं रखती, तो बताओ हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, कहाँ कहाँ देखेंगे खाने के लिए। आज दीपावली से पहले 1 महीना से हमारे लोग पति हम लोग बैठे है, यहाँ के किराए को पैसा दे, रूम का पैसा दे कि भोजन के पैसे खोजे कि बच्चों की परवरिश की, बताओ क्या करें हम? ग्रैप लगा हुआ है इसके कारण घर पे बैठे हुए सब लोग। हाँ, सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, कम से कम आज महीने हो गए, कुछ प्रदूषण लगा है, एक भी कमाई नहीं हो रहा है। हम लोग खाए कि बच्चों को क्या करें? पुलिस लोग आ रहे हैं, बोले रहे हैं कि अपने बच्चे को क्यों नहीं कब्जे में रखते, बताओ कितना कब्जे में क्या करे? बांध के थोड़ी रखता भाई, उसको सरकार को बोलो उसमें प्लॉट में पार्किंग बनवाने के लिए कई साल से बोले, लेकिन आज 5-6 साल से उसमें पानी डूबा पड़ा है। बच्चे किसी का बांध के रखने वाला नहीं है, तो खेलने कूदने बच्चे जाते हैं जरूर, लेकिन ये सरकार हम लोग को इंसाफ नहीं दे रहे हैं। उसका भाई इंसाफ दिलाना हम लोग। आज बच्चा गिरा है, कल हमारे लोग के पति गिर जाएंगे, उसमें तो ऐसा देख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है कि पानी है कि क्या है, 4-5 फुट एकदम गड्ढे हैं। अब हमारे चाचा हिले तो उनके ढोकर तक पानी था, बताओ 3 साल की बच्ची कैसे पता चलेगी, कैसे प्राण निकला होगा, कैसे छपी आई होगी, बताओ? हमको इंसान चाहिए, नहीं हमारा बच्चा चाहिए, बस यही चाहिए हमको। सरकार वजह जिंदा होता, पानी नहीं होता तो हमारा बच्चा जिंदा होता। हमको बच्चा चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमारा लड़की चाहिए और कुछ नहीं। क्या चाहते हैं जी, प्रशासन से, पुलिस वालों से, या किसी नेता कोई आया मिलने के लिए? आया थे, कमल वाले आए थे, वो अपने गाड़ी पे ले गए, गाड़ी पे लेके गए परवरिश के लिए बच्चे को। अभी यह कुल एम्बुलेंस का खर्चा भी प्रधान ने दिए हैं। प्रधान जी आए थे यहाँ के, प्रधान जो है, प्रधान जी आए थे, क्या बोला उन्होंने? भी कुछ भरोसा दिया आप लोगों को? भरोसा दिए हैं, अभी करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो हम लोग गरीब आदमी हैं, कैसा नहीं। अब दिलासा तो दे के गए हैं, लेकिन हमसे क्या करेंगे? आप लोगों की क्या डिमांड है शासन प्रशासन से? ये सब पानी जो भरा हुआ है बंद होना चाहिए, उसे बंद होना चाहिए, ये गरीब है, बच्ची है, इसको भी इंसाफ चाहिए, बस मदद चाहिए। मलवा उलवा डलवा सके उसका सुरक्षित कर दो कि बच्चे वहाँ पे खेल कूद के सब सही सलामत रहे। अब उसमें पानी भरे रहेगा, पानी भरे रहेगा तो आज हमारा गिर गया, कल किसी का और गिर जाएगा, किसी का और गिर जाए, तो यही चलना रहता है ना। इसमें भी एक घटना, फिर भी एक बच्चा गिरा था, ये दूसरा का बच्चा फिर गिरा है, इसमें घटना पे घटना होने जा रहा है, फिर भी नहीं गिरे थे तो बच गए थे। हाँ, वो बच गए थे ना, मीडिया वाला का जो प्रधान, वो बच गए थे, ये जो दूसरा गिरा था ये नहीं बचा, ये भी ऐसे खत्म हो गया, वो तो बच गया। 1:30 बजे 2 बजे फोन किए हैं,
अब भाई उसका हम लोग का हेल्प चाहिए, इंसाफ दिलाओ, उसमें जो है उसको पटवा के मलवा वलवा छुरुस्ती करवाओ, नहीं तो ऐसे ऐसे घटना होते रहेगा। बच्चा आएगा नौ महीने पानी भरा हुआ इस प्लॉट में, ये प्लॉट में 7-8 साल हो गया ये प्लॉट में पानी भरा, तब से हम लोग देख रहे हैं इसी में प्लॉट में पानी भरा, कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नाली सुधार नहीं, नाली कंप्लेन कंप्लेन करते हो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। नाली बनवाए हैं सरकार की, जितना नाली जाम है अंदर से जितना बारिश का पानी नाली में आता है वो प्लॉट में उतर के आता है, नाली पक्की भी नहीं हुआ है, पूरा छेद हुआ है नाली, पानी सारा प्लॉट में गिरता है, पूरे इलाके का पानी प्लॉटों में जाता है। हाँ पूरा प्लॉटों में जाता है, अब प्लॉट तय तरह के सब चाहिए, या तो हमारी लड़की चाहिए। ये तो कल ही जहर मौत खाने जा रहे थे, पूछा अपने घर ले गए थे वहाँ से दो नंबर गली में, आप चल के जहाँ से घटना हुआ आप चल के वहाँ पे देख सकते हो। अभी आपने देखा माँ जो है कल से रो रही है, अभी कल से जो है इन्होंने कई खतरनाक कदम भी उठाए, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ये जहर खाने के लिए भी तैयार हुई, आखिरकार क्यों? इसका सीधा सा जवाब है शासन और प्रशासन, यहाँ के विधायक धर्मपाल लाखड़ा जी। पहले भी हम अपने चैनल के माध्यम से इन चीज़ों को दिखाते रहे हैं कि किस प्रकार पूरे मुंडका विधानसभा में, विशेषकर जैन नगर में, हर घर के बगल में पानी की एक तालाब बना हुआ है, जितने भी खाली प्लॉट है सभी में पानी भरा हुआ है। पहले भी हम ये खबरें उठाते रहे लेकिन कोई उस खबर पर सुध नहीं लेगी, कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई, जितने भी खाली प्लॉट पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आज कहीं ना कहीं उन खाली प्लॉटों के कारण एक बच्ची की जान चली गई है, एक गरीब परिवार का जो चिराग थी वो चली गई है, इन लोगों के बीच में नहीं है। आज इन परिवार वालों के भी कुछ सपने होंगे और उस बच्ची के भी कुछ सपने होंगे, लेकिन आज जो दोनों ही तफन हो गए, क्यों? क्योंकि शासन प्रशासन ने तय वक्त पर सही समय पर कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ के विधायक ने तय समय पर कोई सुनवाई नहीं की। कल ही सीएम केजरीवाल इस मुंडका विधानसभा में आए थे और उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए, बड़े बड़े लोगों से वादे किए, लेकिन उन्होंने जल भराव पर एक भी बात नहीं बोली। और उसी जल भराव के कारण आज कहीं ना कहीं एक बच्ची इन लोगों के बीच में नहीं है, इस परिवार के बीच में नहीं है। इस बच्ची का जो मृत्यु हुई है, परिवार तो दोषी है ही थोड़ा बहुत, परंतु उससे ज्यादा कई गुना दोषी जो है यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रधान, यहाँ के निगम पार्षद है। आज उनको हमारे कैमरे पर सामने आकर जवाब देना चाहिए कि उन्होंने एक बच्ची की आज जान ले ली, उसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली पुलिस को उन सभी के खिलाफ FIR भी दर्ज करनी चाहिए, विशेषकर उस प्लॉट मालिक के खिलाफ। अगर मैंने कोई प्लॉट लिया है, मेरे प्लॉट में क्या हो रहा मुझे नहीं पता है। अगर आपके प्लॉट में पानी भरा तो पानी क्यों भरा, आप मलबा क्यों नहीं डलवाते हैं? और ये आप यकीन मानिए पूरे जैन नगर की ये स्थिति है। हमने पहले भी आपको 4-5 महीने पहले इस तरह की रिपोर्ट दिखाई थी, आपको अवगत कराया था कि किस प्रकार जैन नगर के लोग पानी की समस्या से परेशान है और हर दूसरे प्लॉट में इस तरह की समस्या है। अभी तक दिल्ली पुलिस ने FIR लिखी है, FIR लिखी है, FIR क्या लिखा है उसमें? अब वो पर्ची वहाँ पे लेके चले गए, आपको नहीं दिखाया कुछ? आपको नहीं दिखाए, नहीं कुछ बताया है? नहीं बताए। आपको नहीं लगता जो प्लॉट मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं जरूर होने चाहिए, वो प्लॉट सरकारी है, सरकारी प्लॉट है वो। हाँ वो प्लॉट सरकारी है, कुछ भी रहे बच्चों को छोड़ा है मरे की खातिर, 6-6 फुट गड्ढा करे है मरे खातिर नहीं छोड़ा, उसको मलबा गिरवाई है, जिस बच्ची की मृत्यु हुई है उसको इंसाफ चाहिए, उसका मदद करिए, उसके मदद चाहिए। ये सरकारी प्लॉट है मैम? हाँ सरकारी, सरकारी हो या नहीं हो इसका हमको नहीं पता, अगर सरकारी हो तो उसको इंसाफ दो, अगर नहीं पता चल रहा है तो जमीन बच्चे का नाम होना चाहिए, बस जमीन बच्चे का नाम होना चाहिए जी। उसमें चाहिए तो उसमें पार्किंग बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, स्कूल बनेगा, तब क्यों नहीं बनवा रहे हैं? उसको बनवाना चाहिए ना, जब उस प्लॉट खाली पड़ा है, जब वो खाली है तो उसमें पानी भरा, तो उसमें घटना पे घटना हो जा रहे हैं, तो क्यों सरकार नहीं सुन रहे हैं? उसका छुरछे करो जी। हाँ कि जो ये घटना हो रहा है तो उसको मलबा गिरवाओ, या तो उसको पार्किंग बनवाओ, या तो कुछ भी करवाओ, उसको सुविधा करवाना चाहिए ना सरकार को, क्यों नहीं करवाते हैं? माँ जी बोल ही नहीं रही है तो क्या कर सकते हैं? बोल बोल चक्कर में है, बोल इसको, बोल विजुअल लेते हैं। आज बेटा बोल, बोले से बोलो, वही है इंसाफ दिलाएंगे तुम्हारे, इसको नहीं होगा कुछ, बोलो। हाँ बोलो, मैं अकेला हूँ, बोलो बोलो। इंसाफ चाहिए हमारे, ये तो मार्केट ही चाहिए। अभी एक ही बच्ची थी, हाँ
एक ही बच्ची थी वो छोड़ के चले गए। बोलो ना इसमें बोलो, हिम्मत मान के लड़ो, दिमाग से लड़ो। अब बच्चे ऐसे रोज माँ रो रो के पागल हो जाएगी, मर जाएगा, उसका भागीदार कौन बनेगा आप बताओ? माँ रो रो के पागल हो रही, मरने जा रही, तो इसका भागीदार कौन बनेगा? आदमी आते हैं वो बात बना के चले जाते, वो बात बना के चले जाते, हम लोग मर के चले जाएंगे, बताओ हमारी एक ही बच्ची, तो इंसान कौन दिलाएगा, कौन करेगा उसके? मुझे हिसाब चाहिए या तो हमारी बेटी चाहिए। पुलिस वालों ने FIR लिखी है कुछ? मेरे को कुछ नहीं पता। कुछ नहीं बताया आपको पुलिस वालों ने? आपसे बातचीत की पुलिस ने? नहीं, मुझसे बात नहीं की। नहीं की। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।